ये जो अपने सांसद जी हैं बृजभूषण शरण, ये कैंप तक लखनऊ लगाते हैं, अपने घर के पास में कैंप लगाते हैं। अभी आप यहाँ स्पोर्ट्समैनों से पूछ के देखो, अगर लड़की का पिताजी भी चला जाता तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। ये बाहर भागने के फिराक में होगा, इसको बाहर नहीं भागने दिया जाना चाहिए। वो तो अभी उसकी पूर्णतः जाँच की जाए, इसका नार्को टेस्ट तक किया जाए, ये बहुत चीजों में सम्मिलित है। ये जो सांसद है अपने घर के पास में लखनऊ में कैंप लगाता है, क्यों इनकी दादागिरी चलेगी? बात रखते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात होगी कि खिलाड़ियों को अब जंतर मंतर पे धरना देने की जरूरत पड़ गई? देखो, खिलाड़ियों के साथ जो ये यौन पीड़ित का मामला है, ये काफी दिनों से चला हुआ है। और तब तक ये खिलाड़ी, पहले जूनियर खिलाड़ी होते थे, तो जूनियर खिलाड़ी साहस नहीं कर सकता सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। और अभी ये जो यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। और मैं इन बच्चों को, अपने बहनों को, अपनी बेटियों को और अपने भाइयों को, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अन्याय के खिलाफ इन्होंने अपना बिगुल बजाया और अपनी आवाज उठाने का काम किया। क्योंकि जो लोग जिंदा होते हैं उन्हें जिंदा दिखना चाहिए। और सिस्टम, क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये अपनी अन्याय कर कौन रहा है सर? अन्याय जो इन्होंने बच्चों ने बताया कि ये जो अपने सांसद जी हैं बृजभूषण शरण, ये कैंप तक लखनऊ लगाते हैं, अपने घर के पास में कैंप लगाते हैं। अभी आप यहाँ स्पोर्ट्समैनों से पूछ के देखो, अगर लड़की का पिताजी भी चला जाता तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। बिल्कुल अपनी मनमानी ये लोग चलाते हैं। और ये लोग फेडरेशन में नकली सर्टिफिकेट से ले, दूसरे बच्चे को सर्टिफिकेटों से लेके, दूसरे को खिलाने से लेके, जो इनकी मनमानी में आ जाता है, जो इनके कहे पे चलता है, दूसरे बच्चे को काट के उसको खिलाने का काम करते हैं। और इस तरह से, जैसे खाली इस फेडरेशन में नहीं है, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं इस फेडरेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ। क्योंकि ये कांग्रेस के राज में भी यही लोग थे जो इस जगह पे बैठे थे। ये अन्याय पहले से ही चला हुआ है। अभी मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से, इस मामले को अपने संज्ञान में ले और इसकी पूर्णतः जांच कराई जाए। अभी ये बाहर भागने के फिराक में होगा, इसको बाहर नहीं भागने दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन लोगों की जगह इस चमकीली कोठियों में नहीं, जो सांसद वाली कोठी में बैठे हैं, इन लोगों की जगह इन चमकीली कोठियों में नहीं, इनको जेल में डालने का काम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी तुरंत प्रभाव से करें। क्योंकि इन हमारे जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने का काम किया है। पहले ओलंपिक्स में मेडल नहीं आते थे, ओलंपिक में मेडल आना एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे इन पहलवानों ने तो एक किस्म से ओलंपिक मेडल देने की फैक्ट्री बना दी, हर बच्चा उससे अगला बच्चा। और एक प्लेयर बनाने के लिए पूरे घर परिवार का त्याग और समर्पण उसके प्रति होता है। क्योंकि ये सब ही नॉर्मल घरों के बच्चे हैं, किसी का पिताजी पुलिस में सिपाही है, किसी का पिताजी खेती बाड़ी करता है, 2 एकड़ का जमींदार है, किसी की माँ बाप भैंस बेच के या पशु बेच के या किसी रिश्तेदार की मदद लेके बहुत मुश्किल से इनका जो पालन पोषण है। एक खिलाड़ी को खाली खुराक भी नहीं चाहिए, उसको परिवार का टाइम भी चाहिए है। और एक बड़ी मुश्किल से एक बड़े लेवल का प्लेयर बनाने में बहुत मुश्किल एक प्लेयर लगते हैं। उनमें कई खिलाड़ी ऐसे जिनने सिल्वर जीता है या फिर और भी मेडल जीते हैं, और भी जीते हैं। अगर इनको पूरा मोटिवेशन वो मिलता, मोटिवेट होते, अच्छी तरह मोटिवेट होते, इनको सारी चीजें टाइम पे मिलती, इन पे प्रताड़ना ना होती, तो ये बार बार ओलंपिक में पदक देने का काम करते हैं। क्या लग रहा है, गलती किसकी है इन सब में? गलती फेडरेशन की है, जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो एक प्लेयर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखो, जो दुर्व्यवहार करेगा वही आदमी डरेगा। आपने उसका आज बाइट देते समय उसके चेहरे को पढ़ा है, आप लोगों ने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरे से बिल्कुल ये लग रहा है कि ये फंस गया, अब ये बाहर भागने का प्रयास करेगा। उनको बाहर न भागने दिया जाए, हमारी सरकार से ऐसी प्रार्थना। लेकिन वो तो इनकार कर रहे हैं, सारे आरोपों को नकार रहे हैं। भाई देखो, गलत काम करने वाला कभी यहाँ भरता? मैंने गलत काम किए हैं कभी भरता है? वो तो अभी उसकी पूर्णतः जाँच की जाए, इसका नार्को टेस्ट तक किया जाए, ये बहुत चीजों में सम्मिलित है। आप एक बात बताओ, कभी लखनऊ कहीं का कैंप नहीं लगता था, इसने लखनऊ कैंप लगाने का काम किया, क्योंकि पास में इसका घर है। और अभी ये सभी स्पोर्ट्समैन बता रहे, वहाँ किसी का माँ बाप चला जाए उसको भी अंदर नहीं घुसने देता, तो एक तानाशाही है। और आप उनका पुराना बैकग्राउंड भी उठाओ, वो बाहुबली भी है।
लेकिन सर आप जो बात कह रहे हैं, अगर इस बात के नजरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी से करूं तो कुछ लगातार एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी नजरों में ये बात नहीं है। वो तो देखो आप लोगों के माध्यम से अब उनकी नजरों में बात चली जाएगी, और मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इन खिलाड़ियों की आवाज उठाने का काम किया, मैं आपके चैनल का, आप सभी सोशल मीडिया वालों का, और मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये आवाज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक जाए। और मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि कभी भी कोई काम होता तो सोशल मीडिया जरूर आवाज उठाता है, तो आप लोग आवाज उठाने का काम करते हैं तो इससे पूरे समाज को पता चलता है। अगर इस तरह की मनमानी, इसकी फेडरेशन की, सरकार की इस तरह की मनमानी चलती रही तो ये देश में जो कुश्ती का सिस्टम है ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ अभी यहाँ पे पहलवान है, ये भारत के श्री पहलवान है सितंदर, तो इनके साथ भी एक मामला हुआ, ये कुश्ती जीते हुए थे और जबरदस्ती एक कोच का मामला लेके इनको फेडरेशन से, मतलब इसको कुश्ती से बाहर करने का काम किया। तो ऐसे पता ना कितने पहलवानों का भविष्य बर्बाद करने का काम इस फेडरेशन ने किया है। और इस तरह के जो ये जो इन चमकीली कोठियों में बैठे हैं, जो सांसद का मुखौटा पहने बैठे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मेरी पुनः ये प्रार्थना है, इस तरह के लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, इसे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा ले, और इस तरह के पहलवानों का ये कैरियर बर्बाद ना हो आगे। और मैं अपनी इन बहन बेटियों की, इस भाई ने भी अभी मेरे से एक चैनल वाले पूछ रहे थे भाई इन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई, तब आवाज उठाने का आदमी होता तभी आवाज उठाता है। देखो मोदी जी ने कुछ दिन पहले, तब कोरोना शुरू हुआ, तो मोदी जी ने कहा कि भाई थाली बजा देना, थाली बजाने से कोरोना बाहर, एक प्रभावशाली की, जो प्रभावशाली आदमी होता है उसकी बात फॉलो की जाती है, पूरे देश ने थाली बजाई ना। अगर ये उस टाइम पे जूनियर थे तब आवाज उठाते तो नहीं बनती बात। सितंदर पहलवान 20 बार का भारत केसरी है, इसने भी आवाज उठाई, किसी ने सुनी नहीं, आप नहीं पहुंचे ना इसके पास, क्यों आप नहीं जानते थे? तो इनका लेवल जो ये अभी खिलाड़ी बैठे, इनका पूरा वर्ल्ड इनको जानता है, इसलिए आप लोगों ने भी आने का काम किया। अब इस खिलाड़ी से भी आप पूछो, इसने आवाज उठाई और हमने भी इसके लिए आवाज उठाई थी, वो सुनाई नहीं थी किसी को, क्योंकि क्यों नहीं सुनाई थी? इसका कद अभी देश पर ही टिका हुआ था, ये अनेकों बार 2500 बार भारत केसरी बन चुका, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में भी ये अनेकों खिताब जीत चुका है, लेकिन इसकी आवाज को नहीं सुना, क्यों नहीं सुना वो आप लोग बताओ? मेरे से कह रहे थे भाई पहले आवाज क्यों नहीं उठाते, इस भाई ने उठाई थी, ये तुरंत आ गया, ये ऐसे आ गया, ऐसे बहुत खिलाड़ियों ने आवाज उठाई थी, तो उसकी बात को कोई सुनता नहीं, तब तक आदमी उस लेवल पे नहीं पहुंचता। मोदी लगातार खिलाड़ियों के सम्मान करते, नीरज चोपड़ा हो या और भी खिलाड़ी हो, गए आपने भी देखा होगा। हम इसमें प्रधानमंत्री को तो कहीं कहते नहीं, प्रधानमंत्री को हम इस मामले में नहीं घसीटते, इस तरह के लोग फेडरेशनों पे पहले से काबिज हैं, पूर्व की सरकार में भी ये अपने इसी पद पे बैठा था, इसी तरह की फेडरेशन। अब कुछ दिन पहले हरियाणा का मामला सामने आया, तो इस तरह के लोग, जूडो हो, कुश्ती हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बहुत फेडरेशनों में इस तरह के लोग बैठे हैं, और ये इन पे एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। ये फेडरेशन तोड़ के इस पे सरकारी आदमी बैठा देने चाहिए, क्योंकि सरकारी आदमी को अपनी नौकरी से डर होता है, तो वो इतना गलत काम नहीं कर पाएगा। ये जो सांसद है अपने घर के पास में लखनऊ में कैंप लगाता है, क्यों इनकी दादागिरी चलेगी देश में? अब हम ये इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे, अब ये पहलवान एक कोल हमारे को देंगे तो दिल्ली में तिल गिरने की जगह नहीं होगी, क्योंकि अब तो हम एक कुश्ती जगत के, क्योंकि मैं भी एक कुश्ती जगत से आता हूं, तो हम एक कुश्ती जगत के ही लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन तब समाज की जरूरत पड़ेगी, तो इनके पीछे पूरा भारतवर्ष इनके साथ है, और यहाँ पे पूरे देश से लोग आने का काम करेंगे। और लोगों ये भी भ्रमित किया जा रहा है एक दो पहलवान से गलत बयान दिलवा के, यहाँ 99% आप जहाँ भी देखोगे कोई कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई एशिया गोल्ड मेडलिस्ट है, सभी लोग यहाँ पे हाजिर है, यहाँ 99% कुश्ती जगत अभी है और पूरे देश से आने लग रहे हैं। और पहलवान से भी आप पूछे इनकी पीड़ा, वो बयान जो पक्ष में दे रहे हैं खिलाड़ी, वो बस वही खिलाड़ी बयान दे रहे हैं पक्ष में, जिन पर पर्सनली कुछ एहसान किया गया है, पर्सनली एहसान का मतलब आप सब समझ गए, तभी वो बयान पक्ष में दे रहे हैं, वरना आप असली बिल्कुल देश की करीम है, जो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की है, ओलंपिक में जिनके मेडल हैं, सभी यहाँ पे हैं। आप एक भी खिलाड़ी का नाम मुझे ऐसे बता दे जो यहाँ पे ना हो इस लेवल पे। हाँ एक दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पक्ष में बयान दिया, पर वो पर्सनल कुछ रहमोक्रम की वजह से उनके पक्ष में बयान दिया। किस तरीके का पर्सनल रहमोक्रम की बात कर रहे हैं? पर्सनल रहमोक्रम ये है, जैसे मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में हरवा दिया गया, और फिर हरवाने के बाद मुझे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया, मेरा वो
रेफरी के साथ मैनेजर को अपील की जाके कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, कोच साहब आपको क्या मिला, तो उसने पहले मुझे हाथ उठाया, फिर मैंने उसको उस पर हाथ उठा दिया था वापस, तो उसके बाद मुझे ही लाइफ टाइम बैन कर दिया गया, जबकि वो कोच तब से लेकर आज तक रेफरशिप इंटरनेशनल आपको बैन किया गया, तब आपने आवाज नहीं उठाई? मैंने तो बहुत आवाज उठाई थी, मैंने तो पूरा देश ने देखा था उस टाइम पे, बहुत दिन तक वो मुद्दा चला था, लगभग 2 महीने तक, फिर जो हमारी खाप पंचायत है वो इकट्ठा हो गए, यहाँ पे आए भी इनके कोठी पे, यहाँ पे इनसे मिले भी, इनको रिक्वेस्ट भी की कि भाई ट्रायल्स दोबारा ले लो, जो तगड़ा हो चला जाएगा, पर ट्रायल्स तो लेना दूर पर इन्होंने इतना कर दिया कि भाई चलो इसका हम है ना जो बैन हमने पहले से क्या वो वापस ले, और उसमें सबसे बात करने की कोशिश की, सबको ट्वीट किया गया, और उस टाइम पे सिर्फ एक जो एक खिलाड़ी बोल रहे हैं ना, डायरेक्टर की वजह से ही कोई खिलाड़ी उस मुद्दे में मेरे साथ आगे खड़ा नहीं हुआ, पर हम किसी चीज से नहीं डरते, हम आज भी अपने जो हमारी पहलवानी को खिलाड़ी बाजू के साथ और हमेशा जिंदगी में मेरे साथ रहेंगे, चाहे कितना भी हमें फ्यूचर में भी नुकसान झेलना पड़े या पिछले कुछ 7-8 महीने से भी मैंने जो नुकसान झेला उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हम हमेशा इन खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, जो आप पर्सनल रहे पर हम ये बात कर रहे थे वो मैं यही बता रहा था, जैसे नरसिंह यादव को 2016 का जो था उस टाइम पर नरसिंह यादव डोप के सेंटर में पाए गए कि भाई तुमने डोप लिया है, तुम पे बैन कर दिया गया 4 साल, तो उस टाइम पे खुद अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री तक भी अपनी पहुंच लगा के और नरसिंह को क्लीन चिट दिलवा दी थी नाडा से, और नाडा ने नरसिंह को क्लीन चिट दे दी कि भी जा तू ओलंपिक में, अब नरसिंह चला गया ओलंपिक में, पर नाडा ने दे दी, वर्ल्ड ने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको, वहाँ पर जाने के बाद वर्ल्ड ने उसको फिर से बैन कर दिया कि भाई तुम तो सैंपल पाया गया पॉजिटिव, तो वहाँ से नरसिंह आया, एक देश का खेल कोटे का नुकसान हुआ ओलंपिक लेवल के स्तर पर। दूसरी बात दिव्या के बारे में भी कुछ ऐसी ही, मुझे उस बात में कंफर्म नहीं हूँ कि दिव्या जो पक्ष में बोली है कि भाई उसको भी नाडा द्वारा कुछ टाइम के लिए बैन किया गया था, उसका मामला सुलझाया गया, मैं भी उस दिन से चक्कर लगा रहा हूँ फेडरेशन के कि मुझे भी माफ़ करवा दिया जाए, मेरा तो कोई सैंपल नहीं हुआ, कभी सैंपल चेक नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव नहीं मिला किसी चीज़ में, मैं आज भी बैन हूँ 4 साल के लिए, मुझे बैन कर रखा है, तो उस चीज़ के लिए अब ये बताओ कौन जिम्मेवार है। तो अब आपको उम्मीद है कि ये मामला सुलझेगा, जो आपका जो आपके साथ जो कुछ नहीं, मेरा तो सुलझ जाएगा, सुलझते सुलझते मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, पर जो हमारी आने वाली कुश्ती की जो जनरेशन है, हमने 20-25 साल से यही काम कर रहे हैं, हमें पता है भाई इस काम में कितना कष्ट है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे खर्चा चलता है, तो उस चीज़ के लिए यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई एक खिलाड़ी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, जो चीज़ें हमने सह ली या हमने जो अपना नुकसान सह लिया, वो आने वाले हमारे जो छोटे भाई बहन हैं फ्यूचर में जो तैयार होंगे, उनको उस चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अब इन्होंने हरेक स्टेट में, जैसे हरियाणा को ले लो, पंजाब को, कहीं भी हरेक स्टेट में ऐसी फेडरेशन बना के बैठा रखे हैं, ये काम मैं ये नहीं कह रहा अभी इसे चल रहा है। खिलाड़ी आपसे पूछना चाहूँगी, आप इस सब में किसकी गलती ज़्यादा मानते हैं? इसमें मैडम घर का जो मुखिया होता है उसी की गलती ज़्यादा होती है, वो मुखिया है, नेता है, अध्यक्ष है हमारा जो पुस्तिका है, अब उन्होंने हरियाणा में ऐसे लोगों की फेडरेशन बना के उनको बिठा दिया कि भाई जिन्होंने खुद कभी कुश्ती नहीं की, जो खेल से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते, जिन्होंने कभी खेल के बारे में कोई अनुभव है ही नहीं। आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम तो यही मांग रखते हैं मैडम, इन सारे जितने भी स्टेट्स वाइज जो फेडरेशन बना रखी हैं, जो यहाँ पे हमारी फेडरेशन है, इसको जो बिल्कुल बर्खास्त किया जाए सरकार की तरफ से। मैडम एक सवाल मैं बताता हूँ, जो पहलवान बता रहे थे, जो हरियाणा ही फेडरेशन है ये उस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक पद पे है हरियाणा की फेडरेशन, वो फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले बिल्कुल फर्जी लोग बैठा रखे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी समाज में कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं, आरोप नहीं लगा रहा मैं, बिल्कुल बिल्कुल लोगों में जाके देखो हरियाणा में, बिल्कुल फर्जी ये क्या नाम अपनी वो बना रखी उन्होंने, अपनी एसोसिएशन बिल्कुल फर्जी बना रखे हैं लोग, जिनका समाज में किसी तरह का कोई योगदान नहीं, बिल्कुल नए लोग पकड़ के, और उन्होंने वो बिल्कुल उनका जो कैरियर है वो ठगा बगी का कैरियर है, मैं आपको बता देता हूँ टोटली।